Hey guys, what's up? This is Usama from Backbencher Gaming. Welcome back again a new gameplay video. तो guys, आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हिटमैन। तो इस गेम के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको दिख रहा है टकला गंजा, ये एक एजेंट है जिसका नाम है एजेंट 47। और ये अभी इसने एजेंसी ज्वाइन की है और जो है इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो ट्रेनिंग में हमने वो जो सामने रेड कलर का बंदा दिख रहा है उसको हमने किल करना है, और इस तरीके से किल करना है कि किसी को पता ना लगे कि किसने मारा, क्यों मारा और कैसे मारा, कुछ पता नहीं लगना चाहिए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। अब हमको इन्होंने यहाँ से हमारा गेम प्ले शुरू हुआ है, यहाँ हमको कुछ इक्विपमेंट्स मिली हैं तो हम इनको उठा लेते हैं, फिर चलते हैं अपने मिशन की तरफ। तो वो सामने एंट्रेंस है, वहाँ से हम अंदर जाते हैं। सर, यू कांट गो थ्रू हियर, प्लीज टर्न अराउंड। अच्छा, तो यहाँ से ये जाने नहीं दे रहे। यू डू व्हाट यू आर टोल्ड एंड टर्न अराउंड। तो यहाँ से हम अंदर नहीं जा सकते, हमको कोई और रास्ता देखना होगा अंदर जाने के लिए। डोर अनलॉक, हमारे पास मिसिंग है ये चीज़ जिससे हम अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से भी हम नहीं जा सकते, तो कोई और रास्ता देखते हैं। अच्छा, तो ये वाला रास्ता हमको मिल गया। तो गाइस, ये एरिया रिस्ट्रिक्ट एरिया, यहाँ हम नहीं जा सकते, तो हमें सबसे पहले इस बंदे को तड़पाना होगा। अच्छा, तो हमने इसके अब कपड़े पहन लिए ताकि हम अंदर जाए तो हमको कोई पहचान ना सके। तो अब हम इसकी बॉडी को ड्रैग करके कहीं फेंकना चाहें तो फेंक सकते हैं। अंदर चलते हैं, वॉशरूम है ये नहीं बने। सामने अलमीरा डंप। अच्छा, तो इसको हम अलमीरा में भी डंप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम खड़े हो जाते हैं, टायर चलते हैं और अंदर जाते हैं, देखते हैं कि अंदर जा सकते हैं अभी भी अंदर नहीं। Hey, what's up now? अच्छा, ये जो सामने बंदा है ये हमको अभी भी पहचान सकता है, तो हम इसके सामने से नहीं गुजरेंगे ताकि ये हमको पहचाने। हम इधर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ। पॉइजन, ये हमको जहर मिल गया, हो सकता है जहर ये आगे कहीं काम आए, हम इसको अभी रख लेते हैं और ऊपर चलने का रास्ता देखते हैं। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर है, एक उस तरफ भी पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है। यार ऐसा ना करें, हम इस पुलिस ऑफिसर के ही यूनिफॉर्म ले लें, इसके लिए हम कपड़े ले लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। तो हम इसको यहाँ से पकड़ के पहले मारते हैं और उसकी यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं। अब हम इसको ड्रैग करके इसको इस अलवीरा में डंप कर देते हैं। हमने इसको यहाँ डंप कर दिया, अब हम चलते हैं ऊपर की जाने, ऊपर का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये क्रॉस बार पड़ा हुआ है, इसको उठा लेते हैं। यहाँ भी रास्ता नहीं है, ओपन क्वेश्चन मार्क हुआ है। अच्छा, ये रहा ऊपर जाने का रास्ता, हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं फिर हमको आगे करना क्या है। अच्छा, ये तीन
चार बंदे हमको पहचान सकते हैं। सही हो गया, हमने नहीं यहाँ से इस तरफ चल जाते हैं। तो ये रहा हमारा रेड वाला टारगेट, मैं इसको बड़े ही चालाकी से मारना है। वो सामने बंदा खड़ा, वो भी हमको पहचान सकता है। लगता है हमको कोई और अपनी ड्रेस चाहिए ताकि ये हमको ये वाले बंदे भी ना पहचान पाए। यहाँ से ये बंदा है। Yeah. किसे बात कर रहा है? फिर बात सुनकर यहाँ खड़े हैं। You know, we should get like a notebook and write all that funny stuff down. They grow up so fast and suddenly it's all gone. What? Yeah. Just the usual. ये बस ऐसे ही फालतू बकवास कर रहा है। Good to see that we're heavy on the security. वो भी हमको पहचान सकता है तो हम वहाँ नहीं जा सकते फिलहाल। अच्छा तो ये वाले ड्रिंक पी रहा है। हो सकता है हम इस ड्रिंक के अंदर अपना पॉइजन मिक्स करें और ये मर जाए, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमको कोई और यूनिफॉर्म चाहिए होगा, क्योंकि वो वाला बंदा जो है ना सामने जिसके ऊपर वो डॉट है वो हमको पहचानता है। अब हम वहाँ जाएंगे ना वो पहचानेगा, वो देखो वो पहचान रहा है, मतलब कि वो ऐसे पहचान रहा है कि इस यूनिफॉर्म में तो जितने भी बंदे हैं वो तो है ही नहीं, कि कौन सा नया बंदा है जिसने जो है पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, तो इस वजह से वो हमको पहचान पा रहा है। अच्छा तो हम इसको यूज़ करके उसके ऊपर गिरा सकते हैं और उसको मर्डर भी कर सकते हैं उसका, तो उसके लिए पहले हमको इसको रास्ते से हटाना होगा। इसको हम रास्ते से हटाएंगे तो उसको आसानी से गिरा पाएंगे, नहीं तो अगर हमने इसको गिराया और इसने देख लिया तो काम ख़राब हो जाएगा फिर हमारे लिए। अब इसको मारने के लिए मुझे अच्छा सा कुछ कोई मौका ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इसको आसानी से मार सकें। मैं अपनी यहाँ से वायर निकाल लेता, फाइबर वायर, ताकि शोर ना करे। किसी को भी पता नहीं चला। उसकी बॉडी को यहाँ ड्रैग कर देते हैं। इसका वेपन गिर गया, वेपन भी उठा लेते हैं ताकि कोई देख ना ले, और उसको अंदर रख लेते हैं। अच्छा वो बंदा वहाँ खड़ा है, जैसे ही वो इस तरफ आएगा ना इसके नीचे आएगा तो हमको ये ऊपर से गिरा देना है। अभी देखो कब इसके नीचे आता है, हम यहाँ बैठ जाते हैं ताकि कोई हमको देख ना ले नीचे से। इसका कब इसके नीचे आएगा, अभी हाँ ये बिल्कुल ठीक मौका है गाइस, ये हम यहाँ से इसको गिरा देते हैं ताकि ये मर जाए। बंदा गया काम से। अच्छा तो हम यहाँ से हेलीकॉप्टर से भी निकल सकते हैं। अब कुछ बंदे आएंगे हमको ऊपर देखने के लिए, हम यहाँ इस हेलीकॉप्टर वाले रास्ते से नहीं जाएंगे बाहर, हम जाएंगे नीचे वाले रास्ते से। सर्चिंग शुरू हो गई है, लोग देख रहे हैं कैसे मर गया। अब देखो कि हमने उसको इतनी सफाई से मारा और लोगों को लगा कि ये एक्सीडेंटली इसकी मौत हो गई और किसी को कुछ भनक भी नहीं लगेगी। अब हमको यहाँ से बाहर निकलना है। म्यूज़िक बड़ा ही कमाल का आया हुआ, तो कहेगा हम यहाँ से अब अपना मिशन पूरा हो गया हमारा। चलो भाई यहाँ से हम अपने मिशन को एंड कर सकते हैं, एग्जिट इसको एरिया को छोड़ना होगा और एग्जिट करना। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।